अच्छा फोटोग्राफर, हनी भी मुंह छुपाते हुए क्योंकि उसका आज ब्रश नहीं किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी स्मिथ और आप देख रहे हो स्मिथ्स ब्लॉग। सो गाइस, वन मोर संडे एंड वन मोर राइड, सो वी आर आउट फॉर राइड। और अभी हम लोग है यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं इसको, वेगा सर्कल के आगे चेक पोस्ट की तरफ पेट्रोल पंप है, लाइक सोना पेट्रोल पंप, यहाँ पे फ्यूल अप कर रहे हैं और यहाँ से फ्यूल अप करने के बाद हम लोग निकल रहे थे। सो गाइस, लेट्स बिगिन द राइड, एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक्स। So guys, we are here at Sevak Forest and we are waiting for Alex. ये लेडी तो एक राइडर है। Oh my god! That was not good, bro. Oh my god! ये अपना Alex. छूट चुका था और उसका ब्रेक पैड चेंज करना पड़ेगा। I think so. Alex का ब्रेक पैड चेंज करना पड़ेगा। ऐसा ब्रेक मारेगा तो वो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा वो। अब उसको मैंने या वो वहाँ से हम लोग को इधर देखा लेकिन रोका उधर पे, मतलब है कि उसका ब्रेक पैड ख़त्म हो गया है। एंड गाइस, वेटिंग फॉर एलेक्स, अब वो आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं। और इधर पे तो राइड करने पे थोड़ा ठंड लग रहा था, पर इसलिए यहाँ पे धूप पे रुके हुए थे कि थोड़ा सा गर्मी आ जाए शरीर पे। और इधर हनीबी का बाइक भी थोड़ा क्या बोल रहा है वो, कि विदाउट गियर का ही गियर लग जाता है, फिर गियर घट भी जाता है, तो क्या क्या हो रहा है यार लड़का लोग के साथ। अभी तक तो मेरा बाइक ठीक है और अंकित का बाइक भी ठीक ही है, ठीक है। और बस एलेक्स का ब्रेक चेंज करना पड़ेगा और हनी बी का पूरा बाइक ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसका तो गियर अपने आप लग रहा है, अपने आप छूट रहा है, बोल रहा है। सो ओके गाइस, मिलते हैं आगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ओतलाबाड़ी और इधर चल रहा है फोटो सेशन, वो देख ही सकते हैं आप, फोटो सेशन। एलेक्स है फोटोग्राफर, हनी भी मुंह छुपाते हुए क्योंकि उसका आज ब्रश नहीं किया हुआ है, बिना ब्रश किया है। और वो अपना बिहार के लाला देख रहे, आर्मी में जाने वाला है भैया आर्मी में जाने वाला है। और इधर आर्मी लोग आ रहे हैं, सो अब हम लोग भी ट्राई करेंगे आर्मी में जाने को क्योंकि फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है आर्मी में। मजाक कर रहे हैं यार, है ना, थोड़ा मजाक करने में अच्छा लगता है ना। सो गाइस, आप लोग को दिखाना चाहूँगा मैं लास्ट राइड पे मेरा बाइक, आप लोग ने देखा था कैसा था, और अभी अभी आप देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो चुका। सो ये है अपना बाइक गाइस। सो आप लोग कमेंट करके बताना कि पहले वाला जो मॉड था वो अच्छा दिख रहा था या अभी जो है ये स्टॉक वाले में
कौन सा बेटर दिख रहा है आप लोग कमेंट डाउन करना। सी द रोड इट्स ऑसम, बट ये जितना दिखने में अच्छा है ये रोड उतना ही रिस्की भी है। हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते ही रहता है। और यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए इन लोगों का आर्ग्यूमेंट चल रहा है, पहले मेरा खींच दो ना यार अंकित, कभी तो अविनाश बोला है खींचने के लिए, क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे लड़की तो ऐसा करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं एक तो चुनते हैं, बताइए एक्शन में कैसे होगा? क्या है लड़की है तो गर्लफ्रेंड बना लो। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नाश्ता करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट के जगह पे पहुंच चुके हैं। मतलब क्या बोलूँ, अभी सोनार बंगला देखे आप लोग, सोनार बंगला का जो व्यू होता है स्काई रूफ टॉप में, हम लोग वहाँ पे डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं ना। और वैसे ही सिलीगुड़ी के थोड़ा सा बाहर निकल के डुअर साइड में भी ऐसा ही है, ये बगान के अंदर बना हुआ है, बगान में बैठ के आप अपना ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हैं। तो इन्जॉय द क्या बोले व्यू है ना, और ब्रेकफास्ट भी आप देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, हम तो नहीं खा रहे क्योंकि आई एम टोटली फुल। तो देखिए आप लोग ये क्या खा रहे हैं, ये अपना एलेक्स ब्रो आम, आम, आम देख रहे हैं पूरा मुंह में बड़ी ना बड़ी खांदे सा आम, हनी भी मुंह में डालते हुए, मतलब मुंह में खाना खाते हुए। और ये अपना बियाड़ी बाबू, इतना अच्छा स्माइल कोई दे पाएगा, जो देगा उसको 1 से 1001 रुपया, इतना सुंदर स्माइल। गिव अवे होगा, नो 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 ब्रो नो, स्विगी बॉय। ये है इन लोगों का डिनर प्लस ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात से भूखे थे ये लोग। बाप रे इतनी खुशी, लच्छा पराठा खाएंगे दादा, लच्छा पराठा दा डुअर साइड जुमला, लच्छा पराठा खाना पड़ता। ये देखिए इसका लच्छा पराठा, ये देखिए हनी भी। और एलेक्स तो बाप, एलेक्स तो रात से बोल रहा था मेरे को दा कब जाएगा वहाँ पे, कब जाके खाएगा, राइड से मतलब नहीं है खाने से मतलब है। तो एलेक्स बत के दिखा था तेरा। सो ये गाइस यहाँ का व्यू, ऐसा हम लोग बगान के बीच में बैठे हुए हैं। जल्दी से खा के यहाँ से निकलना पड़ेगा दुकान के, ठीक है? तो मिलते हैं आगे चावल दिखाने के लिए, तो आपको दिखाएंगे वरना डायरेक्ट दुकान पे मिलेंगे। ओ अब हनी भी को आलू दम भी चाहिए। चंपा सर नहीं है ब्रो। ओके के चाहिए, अरे माथा दर्द माछार झोल खाबा हाँ दादा, माछार झोल खाबा ना कि बोले ना लड़की है आधा डिमांडिंग करते रहते दिन भर, ये चाहिए वो चाहिए। हाँ ये बात आप, ये बात एकदम आप सही बताए हैं। एलेक्स कुछ बोलना चाहते हैं? एलेक्स नहीं बोलना चाहते, देखिए अभी बोलेंगे और डिमांड करेंगे, ये तो यो है ना उनको, उनको दीजिए सब आलू दम। ये था एलेक्स का भाई और अंकित का भैया आलू दम। ये थर्ड टाइम है इसका सब्जी मांगने का, तीसरा बार ये सब्जी मांग रहा है। बाप रे वॉशरूम खाएगा? मशरूम नहीं ब्रो, मशरूम नहीं 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 खाएंगे। ये अपने यहाँ पर जितने मिल रहा पास में जंगल है, पास में बगान है, ढाबा में मशरूम मिलेगा। थोड़ा जोर से बोलिए एलेक्स ब्रो, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। अच्छा खा रहे हैं ना बोल रहे हैं, सब जाना खाने चाहे। अरे बाप रे अभी शादी का सीजन चल रहा है गाइस, किसी को अपना शादी में नचवाना है अगर तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए अंकित को, उसका इंस्टाग्राम आईडी हम लिंक में डाल देंगे, ठीक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। किसी को भी नचवाने के लिए अगर चाहिए तो प्लीज़ यू कैन DM एलेक्स है, एलेक्स है उसका मैनेजर। अगर अंकित ब्रो ज़्यादा बिजी हो जाते हैं वो रिवॉर्ड नहीं करते हैं तो आप एलेक्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। अंकित दास करके दिखाएगा,
झारखंड वाला ही फ्रॉम बिगनर्स, मैं तो बिगनर स्टेज का हूं, ही इज प्रो लेवल। प्रो लेवल तो ठीक है गाइस, अगर आपको कोलैब वीडियो चाहिए, कोलैब अगर नचवाना है एलेक्स प्लस अंकित, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोनों को। इन दोनों का मैनेजर है हनी भी। देखिए आप, बाप रे, हनी भी जो खा रहा है, बोलता है कि ना बाबा आज के आसलम अनेक दिन पड़े जो तो हम खाए जब एखान छाड़ब ना कि देखी तो प्लेटे कि आ कि भाई सब शेष कर भी बुझलि तो सब सक यहाँ तो मैं देख के बारी जाए तो ना बहुत सीरियसली खाते हुए कि हमको छोड़ेंगे नहीं बाटी में, आज तुझे छोड़ेंगे ना दम दमा दम। तो गाइस अभी हम लोग का ये ब्रेकफास्ट पार्ट ख़त्म, और कोई किसी बंदे ने फ़ोन किया था कि दुकान के बाहर खड़े हैं वो, उनको कुछ सामान वामान चाहिए, सो